नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें आपको छठ पर्व से दिखा रहे हैं, जहां खुद विधायक असीम गोयल अम्बाला शहर के बलदेव नगर इलाके में छठ पूजा में पहुंचे हैं और लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से छठ पर्व मनाने वाले लोगों का यहाँ पर तांता जो है वो लगा हुआ है। अपने अपने रीति रिवाज से, अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना जो है छठ पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और विधायक खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, लाइव तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। चल भी चल दिले पक्के चल। छठ पूजा के मौके पर विधायक असीम गोयल जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूजा अर्चना में हिस्सा ले रहे हैं और लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें बधाइयाँ भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपको लाइव हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से पूजा अर्चना पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के तरीके से करते हुए विधायक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो भी अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। विधायक असीम गोयल विशेष रूप से यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाएं, पुरुष, बच्चे छठ पूजा में जो है वो अपना विधि विधान रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और देख सकते हैं आप कि ये छठ घाट जो है वो बनाया गया है और सुबह और शाम के वक्त पूजा अर्चना की जाती है और देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर लोगों का हजूम उमड़ा हुआ है और अपने अपने तरीके से सभी यहाँ पर पूजा अर्चना, पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिवाली के बाद छठ पर्व जो है वो बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसी में विधायक असीम गोयल भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इन लोगों को बधाइयाँ दी हैं और यहाँ पर जो है माथा भी विधायक ने ज़रूर टेका है और इन लोगों को छठ पर्व की बधाई ज़रूर दी है और उसी के बाद अब यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए बच्चे जो हैं वो भी पूरी तरह से आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं और महिलाएं अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं, जिस तरह से रीति रिवाज हैं उनका पालन किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पटाखे बजाकर छठ पर्व का आनंद जो है लोग ले रहे हैं, जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं विधायक असीम गोयल की तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, खबर को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। नज़ारा एक बार छठ पर्व का हम आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी जो हैं वो पूरा आनंद लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सभी के चेहरे पर छठ पर्व की खुशी जो है वो झलकती हुई नज़र आ रही है। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पूजा अर्चना में विधायक जो हैं वो पहुँचे हैं विशेष रूप से और यहाँ पर लोगों को उन्होंने बधाइयाँ दी हैं। माथा ज़रूर विधायक ने यहाँ पर टेका है और जिस तरह से यहाँ पर लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, बच्चे जो हैं वो आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उत्साह जो है वो त्यौहार को लेकर साफ नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें छठ पर्व की दिखा रहे हैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, तस्वीरों को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। छठ घाट पर विधायक असीम गोयल पहुँचे हैं और सामने की तरफ आप घाट पर जो जगह दी गई है पूजा पाठ के लिए देख सकते हैं, वहाँ पर महिलाएं अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर विधायक जो हैं वो मुख्य रूप से पहुँचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें, क्या कुछ कार्यक्रम रहता है वो भी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन फिलहाल विधायक यहाँ पर पहुँचे थे और कार्यक्रम का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं से जगेला।
बच्चे बूढ़े महिलाएं पुरुष सभी छठ पर्व का आनंद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पटाखे और आतिशबाजी के जरिए पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। मटिया नया बन रहा था बिना किसी एक फिगर में जवाब मैंने किया देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सभी पूजा अर्चना करते हुए छठ पर्व का आनंद यहां पर ले रहे हैं। पूरे विधि विधान रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और इसी पूजा अर्चना में विधायक भी पहुंचे हैं। लाइव देख सकते हैं तस्वीरों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा और दिखाना जरूर चाहेंगे आपको कि किस तरह से पूरे आस्था के साथ यहां पर इस छठ घाट पर सभी लोग आस्था में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ विधायक असीम गोयल यहाँ पर पहुँचे हैं। कर दे वाला जो मामला है ना यार, कहीं जा रहे वहां कोई बंदा बात करने से डर रहा है, इसी करके आपको तो यहां रख लिया। ये बड़ी समस्या है लोगों के साथ, कई बार हो जाती है। लाइव बनाने की जरूरत है, भाई प्रदीप पकड़ियो करें जी, पीछे करियो। हाँ जी करें सौरभ जी, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ कर लो आप, कर लो। आज छठ पूजा है, लॉकडाउन के दौरान जब यही प्रदेश बाकी प्रदेशों के जो लोग थे वो परेशान हुए थे और आपने इन्हें संभाला था, कैसा आईडी नीचे रखियो। देखिए छठ पूजा है, वैसे तो जो छठ का त्यौहार है ये बिल्कुल समाज के सहयोग से मनाया जाने वाला त्यौहार है और आप देखिए अगर इसका आप स्वरूप देखेंगे इस त्यौहार का, इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े विधि विधान की जरूरत नहीं है। समाज के सहयोग से ही ये पहले दिन शुरू होता है और अंत तक समाज के सहयोग से मनाया जाने वाला एक अपने आप में बहुत कठिन तप और व्रत का त्यौहार है। सूरज भगवान जो हम मानते हैं कि देवताओं में एक मूर्त रूप है जिसको हम देख सकते हैं, आँखों से महसूस कर सकते हैं, ये सूर्य भगवान का त्यौहार है और सूर्य की पत्नी उषा यानी जिसको पहली किरण सूरज की निकलने वाली और प्रत्युषा जो शाम की आखिरी किरण है, ये दोनों को अर्घ देकर मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी ये त्यौहार जोड़ना सिखाता है, समाज के सहयोग से बनता है और इस त्यौहार के अंदर ही मैसेज है, आप देखिए सारा समाज इकट्ठा होके और पूरा परिवार इसमें सम्मिलित होता है, फिर परिवार के साथ ये समाज परिवार का रूप ले लेता है। जो पिछली बार लॉकडाउन का मामला हुआ तो भी एक परिवार का ही रूप था, देखिए कोई साथी बिहार से है कोई यूपी से है, वो भारतवासी होने के नाते हमारे परिवार का सदस्य है, समाज का सदस्य है और यही इस त्यौहार की खूबसूरती है। जो मैसेज छठी मैया जो हमें ताकत देती है, छठी मैया जो जन कल्याणकारी काम करने की बात हमें जो ताकत मिलती है उसी से प्रेरणा लेके हमने इन साथियों की जो है पिछले बार सेवा की और ये साथी आज हमारे एक ही परिवार का हिस्सा है, तो ये कहीं हमसे दूर नहीं है ना हम इनसे कहीं दूर है। ये तो त्यौहार खुद ही जो छठ का त्यौहार है समाज को जोड़ने का काम करता है।